इसमें बताया गया है कि कुछ लोग ओनर नहीं होते लेकिन ओनर मान लिए जाते हैं, ये डीम्ड ओनर है सेक्शन 27 के अंदर। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन हो जिसने कि अपनी स्पाउस को, स्पाउस का मतलब क्या, पति के लिए पत्नी और पत्नी के पति के लिए, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, तो कोई भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स और ये है इनकी बीवी मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, यानी कि दे दी विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। तो मिसेज एक्स तो टेक्निकली इसकी ओनर बन गई है, लेकिन मिस्टर एक्स इसके डीम्ड ओनर माने माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने इसको विदाउट कंसीडरेशन दिया है। अगर यही चीज विद कंसीडरेशन दे दी जाए, विद कंसीडरेशन, ठीक है जी, यानी कि पैसे ले लिए जाए, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए और बदले में उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया जाए, तो उस केस में मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे, केवल मिसेस एक्स ही ओनर मानी जाएंगी। ये बात समझ में आई आपको? बोलिए यस सर। सर। अच्छा, ये तो था एक पॉइंट। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और बदले में मिसेस एक्स ने मिस्टर एक्स को कंसीडरेशन में डिवोर्स दिया है, तो हम इसको कहते हैं लिव अपार्ट, सर क्या कहते हैं? लिव अपार्ट। डिवोर्स मतलब कि ओके अलग रहने के लिए, अलग रहने के लिए, मतलब मिस्टर एक्स ने कहा मिसेस एक्स को कि आप मुझे डिवोर्स दीजिए और कंसीडरेशन में मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी दूंगा, तो इसको हमने कंसीडरेशन माना है, लिव अपार्ट को हमने कंसीडरेशन माना है। उस केस में मिस्टर एक्स जो है वो डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे, जबकि मिस्टर मिसेस एक्स ही केवल ओनर मानी जाएंगी। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी, तो लिव अपार्ट की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन याद रखना ये ट्रांजेक्शन भाई बहन के बीच में नहीं, केवल स्पाउस के हाथ में होनी चाहिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन या फिर विदाउट एनी कंसीडरेशन, सच ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी सच इन सच ए केस ट्रांसफर इज ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एक्सेप्शन है इसका, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी कि डिवोर्स के केस में, तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पे डीम्ड ओनर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, और ये वही एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी बोला था। चलिए ओके सर। आगे चलते हैं। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अगर एक पर्सन अपने माइनर चाइल्ड को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, यानी कि बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल, तो जो ट्रांसफरर है वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा, यानी कि मिस्टर एक्स ने मास्टर एक्स को, अब यहाँ पे मास्टर क्यों बोल रहा हूं समझ गए ना, वो उनका बेटा है, मास्टर यस एक्स सर। को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है जी, और इनसे कोई कुछ भी नहीं लिया, कंसीडरेशन नहीं लिया, तो मिस्टर एक्स ओनर माने जाएंगे, ओ मास्टर एक्स ओनर माने जाएंगे और मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ठीक, अच्छा जी, इस रूल की एक एक्सेप्शन है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को। अब आप ये मत कहना कि माइनर की मैरिज कर दी यही अपने आप में इलीगल है, भैया वो इलीगैलिटी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं। तो माइनर मैरिड डॉटर अगर हो और उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए और उससे कोई कंसीडरेशन ना लिया जाए, तो ये ट्रांसफरर जो है मिस्टर एक्स जो है
अपनी बेटी को ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे, एक्सेप्शन है ये इस रूल। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला है होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि लीगली डिवाइड नहीं की जा सकती, लीगली नॉट डिविजिबल, इम्पार्शियल एस्टेट है, यानी कि इसके पार्ट्स नहीं किए जा सकते लीगली। तो जो होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट होते हैं, इसके अंदर जो पर्सन होते हैं, जितने भी ओनर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये इसके को जो इसके ओनर्स हैं, ये डीम्ड ओनर बोले जाते हैं, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है जी, और उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू होम बिल्डिंग और पार्ट ऑफ इट, यानी कि बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट इज एलोकेटेड और लीज अंडर हाउस प्रॉपर्टी, लीज अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ ए सोसाइटी, कंपनी या एसोसिएशन शैल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ अलॉटेड टू हिम। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन इज लीगली ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। यहाँ पे मतलब समझ में आया कि मान लो उसका कोई मेंबर था, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी में मदर डेयरी का, ठीक है जी, मदर डेयरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो इसने है ना रहने के लिए है ना फ्लैट्स दे दी, फ्लैट, हर एक मेंबर को एक फ्लैट दे दिया, एक एक फ्लैट सबको दे दिया। तो ये मदर डेयरी जो है ये तो ओनर है, लेकिन ये भी इसके ओनर माने जाएंगे, डीम्ड ओनर की डेफिनेशन में मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको आप स्किप कर दीजिए, आने वाले चैप्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, लंबा है ये काफी, और ये सारे केसेस आगे आएंगे आने वाले चैप्टर्स में। एक लास्ट केस आप मेरे साथ में देखिए, पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज फॉर 12 ईयर और मोर। देखिएगा कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को अपना टेनेंट रखा है, टेनेंट माना है, और उससे 12 साल से ऊपर की लीज बना ली है, यानी कि उसको 12 साल से ऊपर के लिए, अब आप आजकल देखते हैं कि लीज 11-11 महीने की ही बनाई जाती है, लीज एग्रीमेंट केवल 11 महीने की ही बनाए जाते हैं, पूरे एक साल के भी नहीं बनाए जाते। तो हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास में ये जो लीज एग्रीमेंट है, अगर 12 साल के लिए आपने बना लिया तो आप तो बिल्डिंग के ओनर रहेंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन भी डीम्ड ओनर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है जी। तो एक्सेप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस विल नॉट कवर वेयर एनी लीज एक्वायर्ड फ्रॉम मंथ टू मंथ बेसिस फॉर द पीरियड एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग फॉर 1 ईयर, यानी कि ये तब नहीं होगा जबकि मंथ टू मंथ बेसिस पे होगा, एक साल से ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये है, आपको अगर किसी को लीज पे देना है ना अपना मकान, तो आप उसको 11 मंथ्स की लीज पे दीजिए, 12 महीने उससे ऊपर हो जाएगा और 12 साल तक चला जाएगा ना, तो 12 साल तक जाने के बाद में, मतलब 12 साल तक अगर आपने सेम पर्सन रखा हुआ, देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर वाई थे, ये टेनेंट थे, इन्होंने इनको 12 इयर्स की लीज दे दी ऑन अ सिंगल एग्रीमेंट, तेरह साल की दे दी, लेट्स मोर देन 12 इयर्स है ना, तो 13 साल की लीज एग्रीमेंट इन्होंने बना लिया,
तो मिस्टर एक्स टेनेंट थे, मिस्टर वाई टेनेंट थे, मिस्टर एक्स ने 13 साल की लीज एग्रीमेंट बना दिया, तो मिस्टर एक्स का क्या स्टेटस है? सर वो ओनर है, और मिस्टर वाई सर वो डीम्ड ओनर है, ठीक है जी? यस सर। लेकिन अगर, ये तो हुआ हमारा केस वन, लेकिन अगर केस टू के अंदर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक एक हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी है, और मिस्टर वाई टेनेंट है फ्रॉम पास्ट 13 ईयर्स, लेकिन एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट जो यहां पे बने हैं पास्ट 13 ईयर्स के अंदर, वो 11 महीने से ज्यादा के नहीं बने, 11 महीने के एग्रीमेंट फॉर 11 मंथ्स, ठीक है जी? एग्रीमेंट बने फॉर 11 मंथ्स, और फिर हमने बार बार बनाए, यहां पे एग्रीमेंट नहीं बनाए, एग्रीमेंट्स बनाए, हर 11 महीने बाद हम उसको फिर से अपना टेनेंट बना लेते हैं, उसी को किराए पे दे देते हैं मकान। तो लीज एग्रीमेंट अगर महीने के हिसाब से बनते हैं और 1 साल से ज्यादा नहीं होता, तो ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। तो सेकंड केस के अंदर मिस्टर एक्स ओनर होंगे, लेकिन मिस्टर वाई डीम्ड ओनर नहीं होंगे, डीम्ड ओनर नहीं होंगे, तो ये क्रॉस लगा सकते हैं आप डीम्ड ओनर पे रेड पेन से, ठीक है जी? ये है हमारे पास में डीम्ड ओनर की थ्योरी।